बीबीसी दुनिया में आज देखिए, घर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। पीएम आवास योजना की आड़ में महाराष्ट्र के गरीब आदिवासियों के साथ धोखा। स्थानीय सरकारी अधिकारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप। बीबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताएंगे फर्जी आधार कार्ड बनवाकर कैसे बैंक से निकाले गए पैसे। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। पीएम आवास योजना की आड़ में हुई धोखाधड़ी पर बीबीसी की खास पड़ताल कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत के साथ ईमानदार तरीके से बातचीत चाहते हैं हम, एक अरबी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा। लेकिन इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान पीएम कार्यालय ने दी सफाई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए बिना नहीं हो सकती बात। लश्कर ए तैयबा का नेता अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकवादी घोषित, भारत ने किया फैसले का स्वागत। चीन में 6 दशकों में ज्यादा समय में पहली बार आई जनसंख्या में गिरावट, आधिकारिक आंकड़ों में दिखा आबादी में गिरावट का ट्रेंड। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा रूसी अर्थव्यवस्था में आई पिछले साल के मुकाबले 2.5% की गिरावट। दूसरी ओर रूस करेगा अगले 3 सालों में सेना का विस्तार। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज पीबीसी दुनिया में। मोदी सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना नाम की सरकारी स्कीम शुरू की, मकसद समाज के कमजोर तबके को सस्ते घर मुहैया कराना। अब बीबीसी की खास पड़ताल से पता चला है कि महाराष्ट्र में इस स्कीम की आड़ में कैसे स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने गरीब आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी की। क्या है पूरा मामला, देखते हैं कवर स्टोरी में। एक शख्स जिसका कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, फिर उसमें घर बनाने की स्कीम के तहत सरकार से पैसे लेते हैं और फिर उस पैसे को निकाल लेते हैं। और सरकार को इस धांधली की सुध ना लगे, इसके लिए सरकारी वेबसाइट पर घर बनाने की कई तस्वीरें भी अपलोड करते हैं। लग रहा है ना किसी बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट, पर यह प्लॉट नहीं, हकीकत है। कैसे हुआ ये सब कुछ, देखिए बीबीसी संवाददाता प्राजक्ता धुलप और हमारे सहयोगी पत्रकार प्रवीण ठाकरे की रिपोर्ट में। पिंटिया सोनिया ठाकरे महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के एक आदिवासी हैं। इनके साथ जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक पिंटिया ठाकरे को पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए लगभग 1,20,000 रुपए दिए गए, लेकिन पिंटिया कहते हैं कि उन्हें ना तो पैसे मिले, ना उन्होंने घर बनाया और ना ही उनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट है और ना आधार कार्ड। उनके मुताबिक सरकारी दस्तावेजों में उनकी जो तस्वीर लगी है वो भी उनकी नहीं है। फिर ये सब हुआ कैसे, इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई। सब कुछ साल 2021 में जून से दिसंबर के बीच 6 महीने में हुआ। गरीबी रेखा से नीचे के लोग या जो बेघर हैं या जिनके पास पक्का घर नहीं है वो पीएम आवास योजना का फायदा ले सकते हैं। अगर किसी को लाभार्थी चुना जाता है तो उनका एक बैंक अकाउंट खोला जाता है। ऐसा ही बैंक खाता पिंटिया ठाकरे के नाम पर खोला गया, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया, लेकिन ये आधार कार्ड भी पिंटिया का नहीं था। ये आधार कार्ड किसी दूसरे शख्स का था जिनका नाम है दिलवर सोनिया ठाकरे, और दिलवर को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। बैंक खाता खोलते वक्त एक तस्वीर लगानी होती है, इसमें भी एक फोटो लगाई गई, लेकिन वो भी पिंटिया की नहीं थी। अब ये तस्वीर किसी तीसरे शख्स की है, रमेश तूकिया पावरा। रमेश को भी नहीं पता कि उनकी फोटो का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने इस बैंक खाते में 1,20,000 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन ये पैसा किसी अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम से निकाल लिया। इस दिलचस्प कहानी में अब नए किरदारों की एंट्री होती है, आइए देखते हैं कैसे। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है और हर स्टेज की तस्वीर सरकारी वेबसाइट आवास पर अपलोड करनी पड़ती है। पिंटिया के घर की पहली स्टेज के तौर पर इस फोटो को अपलोड किया गया, लेकिन ये उनका घर नहीं है। ये घर उसी गांव के दिलीप ठाकरे का है और इस तस्वीर में दिख रही महिला दिलीप की पत्नी सुमनी है। दूसरी स्टेज में काम होता दिख रहा है और फोटो में एक जमीन दिखती है। अब ये जमीन वांतीलाल पावरा नाम के शख्स की है।
नींव डालने का काम पूरा होने की स्टेज की तस्वीर में एक नया शख्स आता है, बाजीराव, जो एक आदिवासी हैं और गांव के मवेशियों को चराने ले जाते हैं। काम पूरा होने की स्टेज वाली तस्वीर में एक बना हुआ घर दिखता है और इस तस्वीर में भी बाजीराव घर के सामने खड़ा है, लेकिन ये तैयार घर किसी और का है, जो है काका वड़ी के नरसिंह ताड़वी। ये घर 15 साल पहले बना था, लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पिंटिया ठाकरे को 4 नवंबर 2022 को धड़गांव की पंचायत समिति से कारण बताओ नोटिस मिला। इसमें आरोप था कि पिंटिया को सरकार से 1,20,000 रुपए मिले, लेकिन उन्होंने घर नहीं बनाया। धड़गांव पंचायत ने ऐसे ही नोटिस पीएम आवास योजना के 7 कथित लाभार्थियों को भेजे। उन 7 लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद आवास योजना में घपले को लेकर जांच शुरू हुई। बीबीसी ने इन सभी दस्तावेजों को देखा और संबंधित लोगों से संपर्क किया। पिंटिया ठाकरे और अन्य 6 लोग मांदलवाजे आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये समाज अंतिम संस्कार में संगीत बजाने का काम करता है। ये 7 परिवार काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। पिंटिया ठाकरे काम की खोज में पश्चिमी महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं। उनके परिवार में उनकी माँ, बीवी और 4 बच्चे हैं। आम तौर पर इस वक्त वो काम के लिए किसी दूसरे गांव में होते हैं, लेकिन इस बार उन पर लगे आरोपों की वजह से वो उमराणी गांव में हैं। पिछले 5 सालों से वो गुजरात के मोरबी जाते रहे हैं। अशिक्षित पिंटिया इस स्थिति में बेबस महसूस कर रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे जहाँ अंगूठा लगाने को कहा जाता है मैं लगा देता हूँ। मेरे पास ना बैंक खाता है और ना ही आधार कार्ड, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे नाम पर एक घर था, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया, उसे किसी और ने हड़प लिया। हमें वो घर मिलना चाहिए था। आवास पोर्टल पर जिस बाजीराव की तस्वीर अपलोड की गई, उनका कहना है कि जब वो मवेशियों को चरा रहे थे तब 2 लोग आए, उन्होंने ये कहकर उनकी तस्वीर खींची कि उन्हें एक घर मिलने वाला है। उन्होंने मुझे बाइक पर बैठने को कहा और फोटो खिंचवाने के लिए ले गए। वो मुझे उस बंगले में ले गए। धड़गांव ले जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि वो मेरी तस्वीर इसलिए ले रहे हैं ताकि मुझे अपना घर मिल जाए। अब ये साफ हो रहा है कि इन 7 आदिवासियों के नाम का पीएम आवास योजना के तहत गलत इस्तेमाल किया गया। इन 7 परिवारों में से एक परिवार सांगली ठाकरे का है। एक घर उनके पति सोनिया ठाकरे के नाम पर भी दिखाया गया है। बीबीसी को पता चला कि सोनिया ठाकरे की 2022 में मौत हो चुकी है। उन्होंने मेरे पति को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हमें आवास योजना के लिए चुना गया है और हमसे कुछ दस्तावेज ले गए। हमें लगा वो वापस आएंगे और फिर हम घर बना लेंगे। हम उनके आने का इंतजार करते रहे। धड़गांव महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक दूर दराज की तहसील है। आदिवासी किसी तरह सफर कर सेंट्रल बैंक की मांडवी ब्रांच तक पहुंचते हैं, जहां वो अपना अंगूठा लगाकर पैसों को जमा और निकलवाते हैं। यहीं पर कथित लाभार्थी रमेश ठाकरे के नाम पर 2 बैंक खाते खोले गए। ज्यादातर बैंक ट्रांजैक्शन सार्वजनिक सुविधा केंद्र पर होते हैं। मांडवी ब्रांच सबसे बड़ी दिक्कत है कि मांडवी ब्रांच में नेटवर्क नहीं आता। बैंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर निर्भर है, लेकिन अगर मौसम खराब हो तो कोई काम नहीं हो पाता। हम उस ब्रांच में सिर्फ पैसे निकालने का काम करते हैं और कुछ नहीं। बीबीसी ने बैंक मैनेजर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बीबीसी की टीम नवंबर 2022 में उमराणी और धड़गांव पहुंची थी। तब तक संबंधित लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की जांच में सामने आया है कि बैंक अधिकारी, ग्राम सेवक और रूरल हाउसिंग इंजीनियर, जिन पर घर बनाने की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए और पैसा हड़प लिया। नंदुरबार के CEO रघुनाथ गावड़े ने 3 इंजीनियर्स को काम से निकालने का आदेश जारी किया है, लेकिन महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक अभियान के जिला कार्यकारी अधिकारी एडवोकेट BV खानोलकर के मुताबिक इस घोटाले की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसमें पिंटिया ठाकरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिनके नाम का इस्तेमाल कर आवास के लिए मिलने वाला पैसा हड़प लिया गया। और बीबीसी की रिपोर्ट के बाद पिंटिया का घर बनाने के लिए सरकारी स्तर पर काम शुरू हो गया है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे चीन की घटती जनसंख्या के क्या है माने, देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। खबर भारत के पड़ोसी मुल्क चीन से, जहां की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ये एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि 60 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि शायद ये आबादी के कम होने का शुरुआती दौर है। आइए इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिसंबर के अंत तक चीन की आबादी 141 करोड़ थी, यानी पिछले साल के मुकाबले 8.5 लाख कम, और जन्मदर भी अब तक की सबसे कम रही। इस दौरान प्रति हजार लोगों में 6.77 बच्चे पैदा हुए। और अगर इसकी तुलना कीजिए अमेरिका से, जहां का बर्थ रेट इस दौरान 11.06 प्रति हजार रहा, और साल 2022 में भारत की जन्मदर 16.42 रही। और भारत आबादी के मामले में जल्दी चीन को पीछे भी छोड़ सकता है। पर इसके साथ ही चीन की मृत्यु दर भी साल 1976 के बाद सबसे ज्यादा रही। साल 2022 में चीन का डेथ रेट 7.37 प्रति हजार रहा, यानी हजार लोगों में 7.37 मौतें हुई। इससे पहले 60 के दशक की शुरुआती कुछ सालों में चीन की आबादी में गिरावट दर्ज की गई थी। तब चीन आधुनिक इतिहास के सबसे खतरनाक भूखमरी के दौर से गुजर रहा था। विश्लेषकों का कहना है कि इस गिरावट के पीछे चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी जिम्मेदार है, जो साल 2015 में खत्म कर दी गई थी। पिछले कुछ सालों में चीन की सरकार गिरती जन्मदर को थामने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही थी। और ताजा आंकड़े बताते हैं कि चीन जनसंख्या को लेकर एक बड़े संकट का सामना कर रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में उसकी लेबर फोर्स कम हो जाएगी और हेल्थ केयर और सामाजिक सुरक्षा पर असर पड़ेगा। ज्यादा जानकारी दे रही है बीबीसी संवाददाता कैटी सिल्वर। आपको लगता होगा कि 141 करोड़ की जनसंख्या वाला देश कुछ लोगों की कमी की वजह से परेशान नहीं होगा, लेकिन ये आबादी में गिरावट का एक ट्रेंड सा दर्शा रहा है और जनसंख्या में गिरावट आगे भी जारी रहेगी। हमने साल 2015 में टू चाइल्ड पॉलिसी वापस लागू होते देखी और फिर साल 2021 में थ्री चाइल्ड पॉलिसी। इससे ये भावना लोगों तक पहुँच गई कि आपको अपने बच्चों में इन्वेस्ट करना है, और इससे फायदा भी हुआ। चीन में ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ने वाली इंडस्ट्री में काफी उछाल आया, पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सरकार ने इस पर शिकंजा कसा और परिवारों पर बच्चों को पैदा करने के लिए और दबाव बनाया। पर दिक्कत यह है कि इन सब का भी कोई असर नहीं हुआ। और पाकिस्तान से संचालित होने वाले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के मौजूदा नेता अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। यूएन की इस लिस्ट में किसी शख्स या संस्था को तब जोड़ा जाता है जब उसकी आतंक से जुड़ी गतिविधियों के पुख्ता सबूत मौजूद हों। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। कौन है मक्की, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाला जाफरी। अब्दुलरहमान मक्की जमात उदावा के फाउंडर हाफिज सईद के बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं, बहुत करीबी साथी भी हैं और जमात उदावा के नायब अमीर भी रहे हैं। इनकी ज़िंदगी का जो इब्तदाई हिस्सा है वो बहावलपुर में गुजरा, लेकिन 1980s में वो इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। ये वो ज़माना था जब यहाँ पर बहुत से अरब और अफगान टीचर्स जो हैं वो भी पढ़ा रहे थे, जिनमें के उसामा बिन लादिन के टीचर अब्दुल्ला अजाम का नाम भी आता है। क्या मक्की अजाम के साथ रابطے में थे या जहाद के बारे में उनके ख्यालात से इन्फ्लुएंस हुए या नहीं हुए, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि अब्दुलरहमान मक्की के अलकायदा के लीडर एमन अज़वारी से काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे और वो अफ़गानिस्तान आते जाते भी रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो सऊदी अरब गए, जहाँ से उन्होंने PhD की। 1995 में वो पाकिस्तान वापस आए और फिर उन्होंने हाफिज़ सईद के साथ मिलकर जमात उद्दावा को स्ट्रेंथन किया और इसके लिए काम किया। इनके अपने आबाओ अजदाद का ताल्लुक भी जो है वो इंडिया से था। इनके वालिद अब्दुलरहमान मक्की के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इनके जो नज़रियात हैं वो बहुत इंडिया के ख़िलाफ़ थे, एंटी इंडिया इनको बहुत समझा जाता है, जहाद के बारे में बहुत कंज़र्वेटिव नज़रिए रखते हैं। 2019 में इनको पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया था, हेट स्पीच का इल्ज़ाम था इनके ऊपर, और फिलहाल इंसानियत फाउंडेशन जो कि जमात उदावा का एक वेलफेयर विंग था जिसको पाकिस्तान में बैन किया गया था, उसके लिए फाइनेंसिंग करने का भी इन पर इल्ज़ाम लगा था। और कहा यह जाता है कि ये 2019 से लाहौर की एक जेल में है। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिल्मी स्टाइल में इटली के माफिया की गिरफ्तारी, ये कहानी एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। खबर इटली से, जहां लगभग 3 दशकों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला वहां का मोस्ट वांटेड माफिया सिसली में पकड़ा गया। माटिया मेसिनो डेनेरो कई माफिया गिरोहों का सरगना था और इटली में 90 के दशक में हुए 3 बम धमाकों में उसका हाथ था। उसे गिरफ्तार करने के लिए 100 लोगों की टीम बनाई गई और बेहद दिलचस्प तरीके से, या यूं कहें फिल्मी तरीके से, पुलिस ने उसे धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। इटली का मोस्ट वांटेड माफिया मार्टियो मेसिना डेनेरो आखिर पकड़ा गया। 30 सालों से वो पुलिस को चकमा दे रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पलेर्मो के एक क्लिनिक में कैंसर का इलाज करा रहे डेनेरो को पुलिस ने धर दबोचा। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वहाँ पहुंचकर पुलिस की टीम को शाबाशी दी। ये जश्न का मौका है, अब हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि माफिया को भी हराया जा सकता है। डेनेरो 2 वकीलों की हत्या का दोषी है। ये कत्ल 1992 में किए गए थे। उसके बाद अगले साल मिलान, फ्लोरेंस और रोम में हुए बम धमाकों का भी वो दोषी है। वो गर्व से कहता था कि उसने इतने लोगों की हत्याएं की हैं कि उससे पूरी कब्रगाह भर जाएगी। तो उसे गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों लगा? एक वजह तो ये थी कि उसके बहुत पुराने फोटो ही पुलिस के पास थे, तो वो अब कैसा दिखता होगा ये पता लगाने के लिए जांचकर्ताओं ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। अब जब वो पकड़ा गया है तो पुलिस ने इटली के इस सबसे बड़े माफिया की ये ताज़ा तस्वीर जारी कर दी है। तीस सालों तक वो माफिया सरकार और राजनेताओं की सांठ गांठ के कई सीक्रेट दबा कर बैठा था। पलेर्मो और इटली के ज्यादातर इलाके के लोग खुश हैं। सालों तक पुलिस से बचता फिर रहा इटली का ये मोस्ट वांटेड माफिया अब कानून के शिकंजे में है। ईरान की महिलाओं के नाम एफिल्टार की एक शाम। लगभग 4 महीने पहले ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में शुरू हुए प्रदर्शन में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। फ्रांस के मशहूर एफिल टावर पर ईरान के प्रदर्शन में इस्तेमाल होने वाला नारा लिखा देखा गया। इस पर रोशनी के जरिए लिखा था फामा वी लिबर्टे, यानी महिलाएं जिंदगी आज़ादी। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।